अभी जो हम नाश्ता करने लगे मैं हैं, देखता हूँ क्या नाश्ता होता जो है ना बिल्कुल तैयार है। वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? तो बेसिस आपके ठीक है। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं आपका दोस्त अहमद, आज मैं आया था इधर बाहर खेतर, एक तो वर्जिश हो जाती है, दूसरा काम हो जाता है क्योंकि चारा काट का। अब मैं जा रहा हूँ वापस घर, मुलाजम जो है ना वो चारा उठा कर रेडी पर रख रहा है, तो मैं अब जा रहा हूँ वाटर सप्लाई से पानी लेने। तो आप सुनाए सब ठीक हो? क्योंकि आज जल्दी जल्दी आया इधर, अभी सवा सात हो गए। मैं अपना काम करके वापस जा रहा हूँ घर, क्योंकि घर में आज कुछ काम करना है। गंदम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पकी हुई है, बस चंद दिन लगेंगे, और 5-10 दिन के बाद इंशाल्लाह कटाई शुरू हो जाएगी। 5-10 दिन के बाद तो शायद कह रहे हैं कि आज रोज़ा रखना है हो, तो इसलिए आज जो भी हुआ ना काम काज में वो पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे जो भी हुआ वो करेंगे। पसीना आया हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़ोर लगता है चारा काटने में, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस उधर घर, क्योंकि वाटर सप्लाई से पहले पानी लेकर आना है, वो ना कहीं वो बंद हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता सब। सुबह सुबह जो ना चारा काट कर आया, अब तो इसी बहाने ना वर्जिश हो जाती है, और तो काम होता नहीं, सारा दिन फ्री होता हूँ, तो इसलिए जो ना आज बाहर आया था चारा काट कर। अब जा रहा हूँ घर दात्रे के साथ, काफ़ी वर्जिश हो जाती है, पसीना आया हुआ है। हाँ जी जनाब, है भाई और मुलाजम ने ना ये सुबड़े बना रहे थे गंदम को बांधने के लिए, पहले वो बना रहे थे, अब वो चारा जो है ना उसका काम कर रहा है। मैं अब ऊपर जा रहा हूँ छत पर, उधर कुछ काम है वो करना है। सारा दिन आज मैं काफी बिजी रहा, घर में था नहीं। इस साहब चावल बनवाए ना, दिखाओ भाई, माशाल्लाह अच्छे वाले हैं। हम जमात की दे रहे हैं, बस कर क्यों की कितने वेखी जाना चेक करावी भाई पछाण तो ओके न बॉस। गरम गरम अच्छा तू चावल लेने नु लग गई हूँ। लेना आना है तो नहीं, लेना आना है तो नहीं।